नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी आपको अपडेट्स दे दिए हैं कि आज के शो में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या कारनामे होने वाले हैं और कितनी सारी लड़ाइयां होंगी, ये भी आप सबको पता है। लेकिन आप सबको ये पता है कि कौन से टास्क होने वाले हैं? तो टास्क होगा इग्नोर टास्क। काफी देर से एक्चुअली घर वाले वेट करेंगे कि कब उनको उनके पेरेंट्स को दिखाया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। बहुत टाइम के बाद फाइनली उनको उनके पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। और इग्नोर टास्क में होता है कि हर किसी को एक एक टाइम पे दिया जाएगा कि आप घर में मौजूद हो, आप घर में उनके सामने काम कर रहे हो, लेकिन पूरे घर वाले ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप वहां पे हो ही नहीं और आपको हंसाना है। लेकिन बिना टच किए हुए, बिना कुछ भी इन्वॉल्वमेंट किए करोगे। तो काफी लोग ये भी करते हैं, जैसे पुनिश ने बहुत सारे ऐसे टास्क में किया कि लोगों को जाके बिग पहनाता है। तो मैं एक चीज समझ नहीं पाई, ये बिग पहनाना भी तो टच करना ही होता है ना, आप एक बार टच करके ही पहनाओगे राइट? तो ये नहीं समझ में। शिल्पा अपनी वही विकास वाली पुरानी चीजों को लेके आएगी और हिना भी बहुत सारी चीजों को लेके आएगी, बट हिना के टास्क में शायद काफी लोग हंस भी देते हैं, तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और एक और चीज, तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये घर वालों को, सबसे पहले तो घर वालों को लेके आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो गया है और ये पहली बार भी हुआ है। शायद ये टीआरपी के लिए हो रहा हो, बट अलग ही कहानी भी चल रही है। अगर ये टीआरपी के लिए है तो क्या ये सही है? अगर बिग बॉस, जैसा कि मुझे एक बंदी ने कमेंट करके बताया था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, तो लास्ट टाइम उसने मुझे ये बताया कि अगर वो पुराने सीजन के कंटेस्टेंट को लेके आते तो शायद टीआरपी और बढ़ता और वो लोग अच्छे से जज कर पाते, बट ऐसा हुआ नहीं। वो लोग ऐसा नहीं किए। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने पेरेंट्स को लेके आए। ऑब्वियसली पेरेंट्स तो अपने बच्चों को ही सपोर्ट करेंगे और काफी ज्यादा लड़ाइयां भी आज दिखेंगी और उनकी लड़ाई की वजह से इनको भी इफेक्ट पड़ेगा। इन लोगों के बीच में भी काफी सारी लड़ाइयां होंगी और आज के शो में यही सब दिखाया जाएगा। तो ये है आज का अपडेट। और रही बात कैप्टनसी टास्क की, कि कैप्टनसी टास्क में कौन होगा विनर, तो ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी कैप्टनसी टास्क होने से पहले। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।